तो वो सब यूट्यूब के हाल चाल, वेलकम बैक टू माई चैनल निकी के ब्लॉग। एक और बार फिर से स्वागत है सब लोगों का मेरे ब्लॉग में। होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे यार, और बढ़िया ही रहना। आज मेरी छुट्टी है तो आज हम जा रहे हैं एक्सपो। सो एक्सपो 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 क्या, लोगों को पता ही है एक्सपो क्या है कि एक्सपो दुबई में चल रहा है। बट लेकिन जो जिन लोगों को नहीं मालूम उनको पता है, अपने मतलब शुद्ध हिंदी देसी भाषा में समझाता हूँ। एक्सपो एक बाज़ार है जहाँ पे सारी कंट्री आती हैं, उनके सबके अपने अपने एक एक सेट पवेलियन होते हैं। उन पवेलियन में वो अपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी उनकी जो भी कुछ नई चीज़ें इन्वेंशन जो भी उनकी कंट्री की होती हैं उसको वो मतलब दिखाती हैं, शो करती हैं। फिर वहाँ से उनकी ट्रेडिंग वगैरह ऐसी चीज़ें स्टार्ट होती है आपस में। मतलब यही कुछ है, मतलब एक तरीके से शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में, देसी भाषा में समझ लो कि वो एक बाज़ार है जहाँ पे वो अपना अपना स्टॉल लगा के अपनी अपनी चीज़ें दिखाते हैं। बात ख़त्म। तो बात यह है, एक्सपो चलने वाला है 6 महीने। एक्सपो एक्चुअली क्या है, चलना था 2020 दुबई में, बट लेकिन 2020 में कोविड था तो वो अब 21 में हो रहा है। बट लेकिन उसका नाम सेम ही है, एक्सपो 2020। तो आज का सीन यह है कि छुट्टी है तो छुट्टी के दिन सोचा कि यार दोस्तों के साथ उधर चल लें, जाके देखते हैं कि मतलब कैसा कैसा है, कौन कौन से पवेलियन है। पूरी की पूरी कंट्रियाँ तो हम पवेलियन देख नहीं सकते क्योंकि टोटल 190 प्लस है, 196 ऐसे कुछ कंट्री के पवेलियन है वहाँ पे। बट कोशिश करेंगे कि जो हमने एक दो सोची, एक तो इंडियन भाई दिल है हिंदुस्तानी वो तो देखनी है, दूसरा एक फ्रेंच पवेलियन भी देखना है जहाँ मतलब एक फ्रेंच कम्युनिटी से हम लोग एक तरीके से जुड़ चुके हैं क्योंकि फ्रेंच होटल में काम कर रहा हूँ। तो वो बाकी और एक दो देखने को मिल जाए तो वो भी ज़रूर देखेंगे। तो बस फ़िलहाल टाइम हो गया है शाम के 4:45। सो गुड इवनिंग आप सब लोगों को। और आज हमारे साथ जा कौन कौन रहा है, मैं जा रहा हूँ, गंभीर भाई जा रहे हैं, गंभीर भाई साहब जैसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, विवेक भाई जा रहे हैं जो कि मुझे लास्ट व्लॉग में आए थे वो मन से भी आप मिल चुके हो, एक हमारा एक और रूममेट है वो भी जा रहा है, और एक अपने एक फ्रेंड है वो भी जा रही है, उनसे भी आपको आगे मिलाऊंगा, और फिर एक हमारा एक और कलीग है वो भी जा रहा है, उन सबसे मैं आपको आगे मिलाऊंगा। बट अभी यहाँ से निकल रहे हैं मैं, गंभीर भाई और मेरा रूममेट। तो ये सब कुछ था उसके आज के बारे में कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे होगा, बाकी सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कि कैसा है क्या है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स हेड आउट फॉर एक्सपो, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी उसमें टाइम लगेगा अभी 40 मिनट्स। तो आपसे हम मिलते हैं आगे जाके। बाय बाय, टिल देन स्टे ट्यून्ड। DJ. Takle, look at here. You excited to go? Yo man. Yo man. One hour later. Welcome to Expo 2020.
फाइनली गाइज वी आर एट एक्सपो। समझ सकता हूँ, जानता हूँ कि कैमरे की क्वालिटी बहुत लो लग रही होगी, बट क्या करें, थोड़ा अंधेरा भी है, लाइट्स वगैरह है, बट लेकिन चलो जैसा भी है अब देख लो। वैसे भी तुमने देखा हुआ तो है ही मुझे। अभी सबसे पहले तो यार पवेलियंस में जाने से पहले थोड़ा बहुत घूम लेता, बट लेकिन भूख लग रही है बहुत गंदी वाली। सबसे पहले हम लोग जाते हैं तो कुछ खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, उसके बाद आपको आगे का दिखाता हूँ। बाकी आप दूसरे शॉर्ट्स देखो। We are heading to Portugal, Pavilion. सो फाइनली होम स्वीट होम। चेहरे को देख के आपको जैसे लग ही रहा होगा पसीने से तर हो चुके थे यार, पूरा तेल निकल गया चेहरे का। चेहरे से थकान आप लोगों को लगी रही होगी यार। घर पहुंच गए, पवेलियन देखे, सारे एक्सपो देखा, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है दुबई वालों ने, और इट्स रियली ब्यूटीफुल, जैसे कि आप लोगों को भी वीडियो में देखा ही होगा। और जो मेन चीज़ था यार, जो फ्रेंच पवेलियन और जो इंडिया का पवेलियन था, वो ना ही मैं देख पाया, ना ही आप लोगों को दिखा पाया, क्योंकि सीन हुआ क्या, क्योंकि जाते हुए हमने इतना देखा, निकले ही हम लेट थे, तो वहाँ पहुँचे, और निकलने से पहले बोलते हैं ना कहीं भी जाओ तो पता करके जाओ, तो पता किया नहीं, कुछ देखा नहीं, सोचा रात भर चलेगा, वहाँ जाके पता लगा, तो पूरा घूमे, दो तीन जगह घूमे, खाना पीना खाने में टाइम हो गया थोड़ा, फिर एक दो पवेलियन और घूमे, फिर जब भारत की तरफ गए, मतलब इंडिया की तरफ गए, तो वहाँ पे जाके पता लगा कि वहाँ का स्पेसिफाइड टाइम है जो कि था 9 बजे, और हम सब घूमने के बाद वहाँ पे पहुँचे 10 बजे, और जब तक कि उसका टाइम हो चुका था ख़त्म, तो इस कारण हम लोग मतलब इंडिया वाले पवेलियन को देख नहीं पाए, और फ्रेंच वाले में जाने का हमें टाइम नहीं लगा, तो बस इसी कारण हम आपको इंडिया वाला पवेलियन दिखा नहीं पाए। बट फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर जाएंगे, और जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको इंडिया वाला पवेलियन ज़रूर दिखाएंगे। और बाकी ये सब कुछ तो अभी घर पहुंच चुके हैं, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। सो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, हिट इट विद अ बिग थम्स अप, ड्रॉप योर कमेंट, एंड हु आर न्यू टू द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, और बच्चों को प्यार, बाय बाय।
एस डीजे।